हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आपका एक नए अनबॉक्सिंग वीडियो पे। लास्ट टाइम मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो की थी जिसका नाम था अनबॉक्सिंग ऑफ एलगैटो HD60S, और मैंने बोला था कि अगर उसमें कुछ जानकारी रह जाए तो मैं अगली अनबॉक्सिंग में बता दूंगा। तो मैं बता दूंगा कि ये आज की अनबॉक्सिंग उसी की वजह से, क्योंकि उसमें रह गई थी कुछ चीज़ें। अब लास्ट की जो अनबॉक्सिंग वीडियो थी उसमें मैंने बोला था कि मेरे फ़ोन में एलगैटो HD60 वीडियो गेम कैप्चर डिवाइस सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, मुझे पता नहीं था। तो मुझे पता चला कि उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये मेरा डिवाइस था Xiaomi Mi Poco F1, 6GB RAM, 128GB इंटरनल, Snapdragon 845। लेकिन इसकी जो USB-C टाइप जो यहाँ पर है वो है 2.0, और Elgato HD60 में 2.0 सपोर्ट नहीं करता। तो मुझे ऐसा डिवाइस चाहिए था फ़ोन जिसमें 3.0 या 3.1 हो, जिसमें HDMI आउट, वीडियो आउट का सिस्टम हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई इंसान Elgato लेके लाइव स्ट्रीमिंग या रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता। अगर आप Elgato ले रहे हो तो आपके पास ऐसा एक फ्लैगशिप डिवाइस होना चाहिए, फ़ोन होना चाहिए जिसमें जो आउट है उसका वीडियो आउट या HDMI आउट वो USB 3.0 हो, सी टाइप। तो Xiaomi Mi Poco F1 में Elgato सपोर्ट नहीं करता है। तो आज जिसके हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं उसके ऊपर आते हैं। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले, यहाँ पे दिख ही रहा होगा तुम लोग को, द बीस्ट और बहुत सारे यूट्यूबर और लाइव स्ट्रीमर्स का, यू नो, गेमर्स का एक ड्रीम होता है एक टाइप का आईफोन, और ये OnePlus 8T। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, उसके बाद में अपना फ़ोन और OnePlus 8T को कंपेयर करेंगे हम और देखेंगे कि क्या है डिफरेंसेस और जो भी सिमिलैरिटी है वो क्या है। सिमिलैरिटी भी रहती है, ऐसा नहीं है, बट डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो बॉक्स में देख लिया, छुटकू सा दिख रहा है लेकिन धमाका बड़ा ही है, छोटा बड़े से दिख रहा है। और इतना बड़ा सा डब्बा है ये, और इतना बड़ा फ़ोन नहीं है लेकिन वह बड़ा है। उसके अंदर फ़ोन जो है वो ये रही, ये है। इसके अंदर मिल जाती है हैंडसेट, ठीक है। अब इसकी जो कलर है उसका नाम ही मैं ले नहीं पा रहा था, इतना लंबा चौड़ा उसका नाम था उसके कलर का। कलर का नाम क्या है भाई? एक्वा मरीन ग्रीन। मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको हैंडसेट। सी कवरिंग है इसको मस्त वाली, ये देखो एक्वा मरीन ग्रीन, मेरा न्यू ब्रांड न्यू फ़ोन। और ये पुराना फ़ोन Xiaomi Mi Poco F1, दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों की चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है। और देखते हैं बॉक्स में अपने को क्या क्या मिल जाता है। तो देख रहे हो फ़ोन की शेप और कैमरा दिख रहा होगा यहाँ पे, देखा होगा तुम लोगों ने, 4 कैमरा। तो चार्जिंग केबल मिल जाती है, और चार्जिंग केबल में एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है इसकी, ये जो केबल है ये दोनों टाइप सी है, दोनों तरफ टाइप सी है, USB नहीं है इसके अंदर, ठीक। तो बोल गया दोनों तरफ सी है, ऐसे कैसे हो सकता है यार, ऐसा ही है भाई। और चार्जिंग अडाप्टर उसमें भी सी लगती है, तो इसका मतलब ये ऐसे ही होगा, इसमें सी जाएगी और ये सी जाएगी फ़ोन में, और इससे होगी चार्जिंग। अब इसकी जो चार्जिंग है 65W की चार्जिंग है, 65W की चार्जिंग है, जिसमें कंपनी वालों ने लिख के दिया कि 39 मिनट्स में 0 to फुल चार्जिंग होगी। और जब मैंने खुद टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि कुछ 20 मिनट्स में 65% चार्जिंग हुई थी, 0 to 65, 20 मिनट्स में, पूरा नहीं कर पाया था मैं, लाइट चली गई थी। तो 20 मिनट्स में 0 to 65, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो तो कितनी फास्ट चार्जिंग है। और क्या चाहिए भाई, प्राइसिंग जब बताऊँगा तब बताऊँगा मैं कि प्राइस में, इतने प्राइस में क्या क्या मिलता है, क्या क्या मिलता है। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं, मैं दिखाता हूँ, ये देखो कंपनी बॉक्स के अंदर हमारे को क्या क्या प्रोवाइड करती है सी, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो देखते हैं अगर दिख रहा होगा क्लियर। एक क्विक स्टार्ट गाइड है, कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है, इन्विटेशन लेटर है, और सिम इजेक्टर टूल है इसके साथ। इन्विटेशन लेटर हम अभी खोल के देखेंगे। ब्रांडिंग की स्टिकर्स मिली है OnePlus 8T की, और रेड केबल क्लब कार्ड, ये मेम्बरशिप है, ये लेने पर 3 month की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है OnePlus कम्युनिटी की तरफ से, और कुछ 5GB का क्लाउड स्टोरेज मिलता है 1 year के लिए। तो ये जो है कंपनी OnePlus प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। सबके सामने ही खोलूँगा तो देखते हैं क्या है। वेलकम कार्ड जैसा होगा, ओ ओ भाई
फाउंडर ऑफ सीईओ, उनकी सिग्नेचर है यहाँ पे। तो ये उनकी तरफ से एक यू नो एक इनविटेशन है कि आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करिए, और ऑफ कोर्स हम करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल ज्वाइन करेंगे। अभी हम कंपेयर करते हैं दो फोन्स को, मेरा पुराना फ़ोन और मेरा ब्रांड न्यू फ़ोन, दोनों को कंपेयर करेंगे हम। इसको स्टार्ट करते हैं, ये बंद पड़ा है, इसको स्टार्ट करते हैं हम। मेरे Xiaomi Poco F1 में 6GB और 128 और एक 8GB और 256 की वेरिएंट आती है। इसमें OnePlus 8T में आपको 8GB 128 और 12GB यानी 12GB रैम और 256GB रोम के साथ आता है, ठीक है। दो वेरिएंट आती है इसके अंदर। इसको मैंने ऑन किया था पहले, तो मैंने इसके पासवर्ड वगैरह सेट कर दी थी, ठीक है। इन डिस्प्ले इसकी फिंगरप्रिंट टच, मतलब इन डिस्प्ले इसका फिंगरप्रिंट है, ठीक है, लॉक और अनलॉक करने के लिए। देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम रखी है मैंने, सी कितना ही यू नो फास्ट है, ये आपको यूज़ करते ही पता चल जाएगा। जैसे इन्होंने लिखा है सीईओ ने, इट इज़ मोर देन अ फ़ोन, तो ऑफ कोर्स ये मोर देन अ फ़ोन ही होगा। तो उसमें दो सिम लगते हैं, इसमें इंटरनल मेमोरी कार्ड नहीं लगता है, एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड, ठीक है। इंटरनल जो 128 है वही है, आप एक्स्ट्रा कोई मेमोरी कार्ड ऐड नहीं कर सकते इसमें। और नैनो सिम लगती है दो। एमोलेड स्क्रीन है, क्विड एमोलेड स्क्रीन, 120 गीगाहर्ट्ज़ का इसका रिफ्रेश रेट है, 120 गीगाहर्ट्ज़ का इसका रिफ्रेश रेट है। एंड्रॉयड 11 पे चलती है, और ऑक्सीजन ओएस है 11.0.4, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, ठीक है। 865 मेरे Xiaomi Poco F1 में था, 845 और इसमें 865। एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो इसमें नहीं है और वो है, और जो इसमें है और वो है NFC, ठीक है। तो NFC दिया हुआ है OnePlus 8T में। NFC से आप विदाउट केबल वायरलेसली आप चार्जिंग और ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हो फाइल्स वगैरह, ठीक है। तो इसकी बैटरी 4500 है, नॉन रिमूवेबल, ठीक है, यानी उसको निकाल नहीं सकते कंपनी, अगर निकाला तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ठीक है। इस प्राइसिंग की बात करते हैं, तो अभी फ़िलहाल इसकी जो प्राइस है वो है 42,999 ऑनलाइन पे, अमेज़न पे, लिंक मैं इसकी दे दूंगा तो देख लेना। बट अगर आप शॉप से लेते हो या EMI पे लेते हो तो उसकी इंटरेस्ट रेट लग जाती है, तो 3,000-4,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो ये तो हो गया प्राइसिंग। तो गाइज कमेंट में बताना मुझे कि ये अनबॉक्सिंग और ये रिव्यू OnePlus 8T का कैसा लगा। कोई भी गेम यानी तो कोई भी हैवी से हैवी गेम बहुत ही अच्छे से चल जाएगी। पबजी इसमें 90 FPS पे चल जाती है अल्ट्रा हाई ग्राफिक के साथ। ये अगर आपके बजट में, अगर आप 20,000 के आपका बजट है, तो आपके लिए MI Poco F1 जो मैंने अभी करीब एक साल इसको चलाया है और अभी तक अच्छी कंडीशन में चल रही है, और इसमें भी पबजी की स्ट्रीम में करता आ रहा हूँ मेरे चैनल पे अभी तक। तो बजट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी लेने, MI Poco F1 या OnePlus 8T। तो ये भी इतना बुरा डिवाइस नहीं, बजट के हिसाब से बहुत ही बेस्ट डिवाइस है दोनों की। जब मैंने कंपेयर किया दोनों का, जब मैंने ये देखा कि लाइक्स किसको ज़्यादा मिले, तो MI Poco F1 को ज़्यादा लाइक्स मिले हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों के बजट में आए। इसीलिए मैं इसको गरीबों का आईफोन कहता हूँ, इसीलिए, क्योंकि बजट में आ जाती ना। ये हर किसी के बजट में तो नहीं है, बट अगर आपकी बजट बढ़ जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप आँख बंद करके इसको ले लो यार, मुझे तो लगता है इससे बेस्ट तो है ही नहीं कुछ। बाकी ऐसे और भी अनबॉक्सिंग वीडियोज़ और रिव्यूज़ आते रहेंगे नए नए ब्रांड्स के, बस आप देखते रहिए। अगर आपको अनबॉक्सिंग ये पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल, शेयर करो चैनल के लिंक अपने दोस्तों को, और जिनको भी अनबॉक्सिंग या गेमिंग वीडियोस पसंद है हमारे, मैं लाइव स्ट्रीम करते रहता हूँ तो उस पर भी आते रहिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली बार अगले किसी अनबॉक्सिंग वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।